आज बाज़ औक़ात बोलते हैं कि यार हमें वीडियो में कम प्राइस में, तो वीडियो में कम प्राइस में देखें सर ये है वी लॉगिंग के लिए, हाँ इसमें एक्स्ट्रा माइक भी लग सकता है, सही है ना सर, वी लॉगिंग में एक्स्ट्रा माइक भी लगा सकते हैं इसके अंदर। ये देखें माइक की जगह दी हुई है, पूरी माइक की जगह दी हुई है, इसमें माइक भी लगा सकते हैं। ये 1855 के साथ है, ये जो इस वक्त बेस्ट क्वालिटी का है वीडियो वी लॉगिंग के लिए, बेहतरीन ऑटो फोकस, वीडियो ऑटो फोकस, तस्वीरें ऑटो फोकस, इसके अंदर माइक भी है, रोटेड LCD है, ये 700D है सर। हाँ ये बिल्कुल स्लाइटली यूज्ड है, कैनन का मॉडल है ये, बिल्कुल बाहर से जो आया हुआ है ओरिजिनल बैग के साथ, लो प्रो का बैग है जेन्यून इसके साथ। इसकी मालियत भी 4,500 रुपये की बैग की मालियत है, ये 750D है, 750D है। मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, आप देखिएगा बिल्कुल पीस कैसा है, आप बोलेंगे कि है ये जो बाहर से सिंगापुर से जो परचेस किए जाते हैं ना, तो वहाँ डब्बे छोड़ दिए जाते हैं सर। देखें ये 750D है, देखें कि बिल्कुल है ना, ये सीरियल नंबर वगैरह हर चीज़ मौजूद है, देखें ना सर, देखें ना। और ये वाईफाई के साथ है, समझे ना, ये 24 मेगापिक्सल कैमरा है, इसमें 24 मेगापिक्सल कैमरा है। अब इसके पास आ जाए, ये था मैंने 700D का जिसका बताया था ना, बिल्कुल एज न्यू, हाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा पीस है बिल्कुल। ये देख लें इसकी सारा सामान वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, देखें ये सामान पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल पैक पीस है, सही है ना। हम इसको नया डब्बा पैक करके करने का नहीं है, ये एज न्यू है, न्यू जैसा है, डब्बा पैक नहीं कैसे, हाँ सही है सर। ये हो गया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ यहाँ इसके ऊपर लिखी हुई है। ये देखें सर 18 मेगापिक्सल है, ISO इसका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है ना, ऑटो फ्रेम 9 है इसके, सही है ना, ऑटो फोकस है, वीडियो और स्टिल और टच पैनल है, ये टच पैनल है। रियर लेंस में हमारे पास एक मॉडल आया है वी लॉगिंग के लिए, सिर्फ बॉडी आई है, ये बॉडी आपको बिल्कुल फाइनल है ना, इसके अंदर 10,000 शटर चली हुई है, 10,000 शटर चली हुई है, कंडीशन थोड़ी सी वो है, हाँ सही है ना, हाँ ये देखें सर, ये देख रहे देखिए ना, है ना, हाँ जेन्यून हालत में, ना कोई कलर किया हुआ पीस है, ना कोई शाइनिंग की हुई पीस है, जेन्यून हालत है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये है, देख रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका भाई जाम उस्मान, आप देख रहे हैं जाम उस्मान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज मैं मौजूद हूँ कैमरा सिटी शॉप पर, इसहाक भाई की शॉप, जैसा कि आप दोस्तों के इलम है, इसहाक भाई DSLR के हवाले से मार्केट में माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पहले भी हमने कैमरा सिटी की वीडियो बनाई थी आज से तकरीबन 2 हफ्ता पहले, आप दोस्तों की तरफ से माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आज इसहाक भाई आप दोस्तों के लिए DSLR का भरपूर स्टॉक ले गया है, जिसमें से यूज़ वाले भी होंगे DSLR, काफ़ी दोस्तों की रिक्वायरमेंट होती है कि यूज़ DSLR के हवाले से हमें अपडेट दें, मार्केट में उनकी लेटेस्ट क्या क्या प्राइस चल रही हैं, क्योंकि भाई अभी इंपोर्ट खुली है तो लोगों के जहन में ख्याल होता है कि रेट कम हो या बढ़े हैं, इसकी अपडेट दें। और इसके साथ साथ जनाब साइलेंटली यूज़, जो कम इस्तेमाल शुदा है, जैसे लोग कैमरा ख़रीदते हैं नया 0 मीटर, एक हफ़्ता यूज़ किया, 10 दिन यूज़ किए, फिर उसको सेल कर दिया मार्केट में, तो जनाब ये बॉक्स पैक तो नहीं कहलाएंगे, इनको हम साइलेंटली यूज़ कहेंगे, कुछ दिनों के चले हुए साफ़ सुथरे पीस होते हैं और प्राइस बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो अभी मिलते हैं इसहाक भाई से और आज के स्टॉक के हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इसहाक भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं, सब ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। इसहाक भाई काफ़ी दिनों के बाद आपकी बरादरी हुई है, तो इसहाक भाई ये बता दें हमारे व्यूअर्स को आज का क्या स्टॉक है और क्या धमाके मारने वाले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से सब ठीक ठाक हैं सर? ये है मेरे पास कुछ ऐसे आइटमें आई हैं जो एक तो होते हैं ना हमारे पाकिस्तान में इस्तेमाल शुदा, वो वाले भी पीस आए हुए हैं, और जो बाहर से जो इस्तेमाल शुदा आए हुए हैं वो भी आए हुए हैं, जिसमें कुछ डब्बे वाले हैं, कुछ बगैर डब्बे वाले हैं, और बेहतरीन किस्म का स्टॉक आया हुआ है, कुछ है ना तस्वीर वाले हैं और कुछ है ना वीडियो वाले और तस्वीर वाले दोनों हैं। तो अच्छा, तो इसका मतलब वीडियो ज़बरदस्त होने वाली है, वीडियो भी अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला, वीडियो भी अच्छी होगी। वी लॉगिंग वाले मांगते हैं ना कि वीडियो बहुत अच्छी क्वालिटी की चाहिए, जो मोबाइल का जो क्वालिटी होती है, तो मोबाइल की क्वालिटी वो नहीं मिल सकती जो इसकी होती है, समझे ना। DSLR एक बहुत बेहतरीन किस्म की प्रोडक्ट लॉन्च की है, वो इसका मुकाबला किसी से भी नहीं कर सकते, वीडियो क्वालिटी एंड पिक्चर क्वालिटी में बेहतरीन है। तो मेरे पास, मैंने कहा ना कि पिक्चर क्वालिटी वाले भी बहुत अच्छे हैं, जो सीखना चाहते हैं कि पिक्चर क्वालिटी
किस तरह की बनानी है, किस तरह की करनी है, सब चीज़ें मेरे पास है। अच्छा माशाल्लाह। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त हो, काफ़ी इंटरेस्ट होने वाली है, क्योंकि भाई आपको पता है DSLR की काफ़ी डिमांड होती है मार्केट के अंदर। तो आज की वीडियो हमें बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर मैक्सिमम हो सके तो भाई, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इस तरह के कंटेंट और इस तरह के अपडेट लेके आते रहते हैं। तो आपका काम है भाई हमारी वीडियो को शेयर दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो जाए फ़ायदा। हमारा काम है तो आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाना। अभी करते हैं वीडियो स्टार्ट। सर सबसे पहले तो मैं है ना, जो कम प्राइस के कम बजट वाले लोग हैं, जो है ना SLR यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल कैमरा यूज़ कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है महंगे से महंगा, तो तस्वीर अगर क्वालिटी बनानी है तो सबसे कम रेट में ये है, समझे ना सर। ये है 8 मेगापिक्सल कैमरा है, इसके अंदर 3580 लेंस है, और इसकी बहुत ऐसी प्राइस दी है, ये अगर बेचना चाहें तो हम 14-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये में बेच सकते हैं। इसकी प्राइस अभी दी है 10,500 रुपये की, 10,500 रुपये का है। ये सिर्फ स्टिल फोटोग्राफी वाला है, स्टिल फोटोग्राफी है और बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हो, मैनुअल फोकस, ऑटो फोकस, सब कुछ इसके अंदर सिस्टम दिया हुआ है। आप इसको जितने जिस तरीके से यूज़ करना चाह रहे यूज़ कर सकते हैं। सही है सर, एक ये हो गया सर, एक इसी में ही है, थोड़ा सा बढ़कर है ये ना, एक ये है, ये 350D है, समझे ना सर। इसके मेगापिक्सल 10 हैं, जैसे इसके मेगापिक्सल 8 थे ना, तो इसके मेगापिक्सल 10 हैं। इसकी फोटोग्राफी और क्लास की है, इसके रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। ये आपको मिलेगा 14,500 रुपये का, 14,500 रुपये का स्टिल फोटोग्राफी, 18-55 लेंस के साथ है। इसमें लेंस चेंज भी कर सकते हैं, DSLR में ये होता है ना कि आप 10,000 रुपये से लेकर आप 1.5 लाख रुपये तक का भी लेंस चेंज कर सकते हैं। यही क्वालिटी होती है कि आप अच्छे से अच्छा जितना अच्छा से करना चाह रहे तो आप इसमें कर सकते हैं, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ चेंज करना होगा तो फिर लेंस चेंज करना होगा आपका। सही है सर, हाँ एक ये है, फिर इसके बाद आ जाता है इससे थोड़ा सा ये बड़ा, ये तकरीबन आपका है 10 मेगापिक्सल है, इसमें है 35-105 जूम के साथ है, 105 जूम के साथ है, और इसकी पिक्चर क्वालिटी इससे भी अच्छी हो गई है, जूम भी अच्छा हो गया, दूर तक के आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये आपको पड़ेगा 18,000 रुपये तक का, हाँ ये है फोटोग्राफी लेंस, समझे ना, बेस्ट क्वालिटी के बेस्ट रिजल्ट है। हाँ कभी इससे मायूस नहीं होंगे कि हाँ यार रिजल्ट जैसा बनाना है आप खुद अपने दिमाग से बना सकते हैं इसको। सही है, एक ये है। अब इसमें आ जाते हैं वीडियो क्वालिटी। आज बाज़ औक़ात बोलते हैं कि यार हमें वीडियो में कम प्राइस में, तो वीडियो में कम प्राइस में देखें सर ये है वी लॉगिंग के लिए, हाँ हाँ इसमें एक्स्ट्रा माइक भी लग सकता है, सही है ना सर, वी लॉगिंग में एक्स्ट्रा माइक भी लगा सकते हैं इसके अंदर। ये देखें माइक की जगह दी हुई है, पूरी माइक की जगह दी हुई है, इसमें माइक भी लगा सकते हैं। ये 18-55 के साथ है, ये बिल्कुल फाइनल पड़ेगा 28,000 रुपये का, हाँ इसमें वीडियो भी बहुत आउट क्लास की है और तस्वीरें भी आउट क्लास की है, और इसमें वीडियो भी में जूम है, हाँ ऑटो फोकस है। सही है, इसी तरह ये आ गया आपका, इसका फिर ये तरतीब चल रही है, ये वाला है, ये इसका अपग्रेड मॉडल है, ये आपका 14.1 मेगापिक्सल था जो आपको पहले अभी दिखाया वीडियो वाला, ये है 24 मेगापिक्सल है, 24 मेगापिक्सल है, फुल HD है, ये वो HD वीडियो बना रहा था, ये फुल HD, इसमें भी माइक का ऑप्शन है, सब कुछ है। ये आपको पड़ेगा सर 38,000 रुपये का, हाँ और फुल ऑटो फोकस है, वीडियो भी ऑटो फोकस है, भागते हुए भी आप वीडियो बना सकते हैं, कोई इसमें वो शेकिंग नहीं है, बेहतरीन है, 18-55 के फोकस, बहुत गुड फोकस है इसके अंदर। सही है ना सर, इसी तरह फिर आप चलते हैं अब बड़े लेंस के साथ। अब ये कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमें बड़े लेंस के साथ चाहिए, तो यही मॉडल है जो 38,000 रुपये का था 18-55 के साथ, ये आपको मिलेगा 45,000 रुपये का, समझे ना। इसमें 55-200 लेंस के साथ है, बड़ा लेंस है, आप तकरीबन है ना आधा किलोमीटर तक की बंदे को भी फोकस कर सकते हैं इसमें, और 24 मेगापिक्सल है, एक्स्ट्रा माइक सिस्टम है, वीडियो बहुत फुल HD है इसके अंदर। सही, ये हो गया सर। इसके अलावा अगर आपको चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पे आप कैनन पे आते हैं, तो कैनन पे देखिए सबसे ये है 1200D, 1200D है ये, कम से कम भी आपको मिलेगा 28,000 रुपये का, 28,000 रुपये का। इसमें बस इसकी ये होता है कि माइक लग नहीं सकता, हाँ एक्स्ट्रा नहीं लग सकता। सही है सर, एक ये है, ये 1200D है। सही है, अब इसके बाद आ जाते हैं, अब ये है, ये 600D है,
ये 600D है, इसमें माइक भी लग सकता है और वीडियो भी बहुत अच्छी है। हाँ, ये 18 मेगापिक्सल कैमरा है, समझे ना, इसकी रोटेड LCD है, रोटेड LCD है, हाँ बेहतरीन है, बहुत अच्छा, नहीं बहुत बहुत ही बहुत अच्छा है, सही है ना। अच्छा, ये है 18 मेगापिक्सल कैमरा है, फुल HD है, और ये आपको पड़ेगा बिल्कुल फाइनल 38 तक का, सही है, इतना चलते रहेंगे आप। ये आ रहा है सर, जो इस वक्त बेस्ट क्वालिटी का है वीडियो वी लॉगिंग के लिए, बेहतरीन ऑटो फोकस, वीडियो ऑटो फोकस, तस्वीरें ऑटो फोकस, सही है ना सर। इसके अंदर माइक भी है, रोटेड LCD है, ये 700D है सर। हाँ, ये बिल्कुल स्लाइटली यूज्ड है, समझे ना सर, ये बिल्कुल फाइनल आपको 50,000 का पड़ेगा। इसका एस न्यू भी मेरे पास पड़ा हुआ है, डब्बे वाला पीस, अगर वो भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको। अगर एस न्यू चाहिए डब्बे वाला पीस तो ये रहा, आप देख लें डब्बे वाला पीस है, सही है ना सर। ये आपको पड़ेगा 60 तक का, सही है। ये हो गया, इसी तरह इसी का ही मॉडल है, कैनन का मॉडल है, ये बिल्कुल बाहर से जो आया हुआ है ओरिजिनल बैग के साथ, लो प्रो का बैग है जेन्यून, इसके साथ इसकी मालियत भी 4,500 रुपये की बैग की मालियत है। ये 750D है, डी है, मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, आप देखिएगा कि बिल्कुल पीस कैसा है, आप बोलेंगे कि है। ये जो बाहर से सिंगापुर से जो परचेस किए जाते हैं ना, तो वहाँ डब्बे छोड़ दिए जाते हैं सर, देखें ये 750D है, देखें कि बिल्कुल है ना, ये सीरियल नंबर वगैरह हर चीज़ मौजूद है, देखें ना सर, देखें ना। और ये वाईफाई के साथ है, समझे ना, ये 24 मेगापिक्सल कैमरा है, इसमें 24 मेगापिक्सल कैमरा है, ये आपको पड़ेगा 80,000 का। हाँ, नया तो आ नहीं रहा है, नया करके लोग बेचते वो नहीं, एज न्यू पीस है बिल्कुल। हाँ, बहुत ज़्यादा होगा ना तो तकरीबन इसके 1,000 शटर चले होंगे, इससे ज़्यादा नहीं चला होगा, बस सिर्फ 1,000 शटर बिल्कुल। ओरिजिनल बैग, ओरिजिनल 1855, जेन्यून चार्जर, हर चीज़ है, हाँ सब ओरिजिनल बैग। ये देखें बेल्ट है, ये बेल्ट है, ये इसका 1855 जेन्यून लेंस है, STM लेंस है, इसकी मालियत इस वक्त 15,000 रुपये की है, समझे ना सर। ये भी साथ में है, इसका बैटरी चार्जर सब चीज़ें साथ है, सिर्फ आपको कार्ड लेने की ज़रूरत है इसमें, इसका चार्जर भी जेन्यून है ना सर। ये हो गया सर, इसी तरह इसकी बैटरी है, देखें बैटरी भी है ना, जिस तरीके से था इसी तरीके से है। हम वो इसको डब्बे में डाल कर दिया, डब्बा उसको करके नया करके बेचना नहीं चाह रहे, एज न्यू, बस ये एज न्यू है। हाँ, इसी तरह ये तो आपने ये देख लिया, अब इसके पास आ जाए, ये था मैंने 700D का जिसका बताया था ना, 60,000 का है, बिल्कुल एज न्यू, हाँ बिल्कुल साफ सुथरा पीस है बिल्कुल। ये देख लें, इसकी सारा सामान वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, देखिए ये सामान पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल पैक पीस है, सही है ना। हम इसको नया डब्बा पैक करने का नहीं है, ये एज न्यू है, न्यू जैसा है, डब्बा पैक नहीं कैसे, हाँ सही है सर। ये हो गया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ यहाँ इसके ऊपर लिखी हुई है, ये देखें सर, 18 मेगापिक्सल है, ISO इसका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है ना, ऑटो फ्रेम 9 है इसके, सही है ना, ऑटो फोकस है, वीडियो और स्टिल, और टच पैनल है, ये टच पैनल है, सही है सर। ये तो हो गए कैनन की प्रोडक्ट, कैनन के बाद आ जाते हैं, अब ये आ गए, ये D3300 आपने यूज़ में देखे थे ना सर, यूज़ में देखे थे, अब ये एज न्यू आ गए, हाँ ये एज न्यू अगर लेना है तो ये आपको मिलेगा 42,000 का, बिल्कुल एज न्यू, बिल्कुल न्यू पीस है। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कंडीशन, ये देख लें सर, ये बिल्कुल और बिल्कुल है, ये बिल्कुल नया है, सही है ना सर। हम इसको डब्बा पैक नहीं करेंगे, डब्बा पैक नहीं कह सकते भाई, एज न्यू कहेंगे हम, सही है ना सर। ये हमारा है, इसी तरह यही है, इसका अपग्रेड मॉडल अगर लेते हैं, ये अपग्रेड मॉडल है D5200, ये भी एज न्यू है, हाँ ये 48 का पड़ेगा आपको, 48 का 1855 लेंस के साथ है, ये भी बिल्कुल है, बिल्कुल एज न्यू, सही, देख लें सर, देख लें कंप्लीट सामान के साथ, सही ना सर। एक ये है, अब इसके बाद आ जाते हैं इससे अपग्रेड मॉडल में आ जाते हैं, इससे अपग्रेड मॉडल में ये होता है कि ये आपका आ गया
D5300, ये D5300, ये भी एज न्यू पीस है, ये पड़ेगा आपको 60 तक का, बिल्कुल न्यू पीस है, 1855 सब कुछ कंप्लीट के साथ एज न्यू। हाँ हाँ, 60 तक का पड़ेगा, सही है ना सर? हाँ, अब आ जाते हैं मिरर लेंस पे। आजकल लोग मिरर लेंस का बहुत वो करते हैं, तो मिरर लेंस में हमारे पास एक मॉडल आया है वी लॉगिंग के लिए। सिर्फ बॉडी आई है, ये बॉडी आपको बिल्कुल फाइनल है ना, इसके अंदर 10,000 शटर चली हुई है, 10,000 शटर चली हुई है, बिल्कुल फाइनल आपको है ना, बिल्कुल फाइनल। ये आपको पड़ेगी 1,45,000 रुपये की सिर्फ बॉडी। हाँ, कंडीशन थोड़ी सी वो है, हाँ ये ना, हाँ ये देखें, ये देख रहे देखिए ना, है ना, हाँ जेन्यून हालत में, ना कोई कलर किया हुआ पीस है, ना कोई शाइनिंग की हुई पीस है, जेन्यून हालत है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये है, देख रहे है ना, ये देख ले है ना, डब्बे का सीरियल नंबर। ये 1,45,000 रुपये की सिर्फ बॉडी पड़ेगी आपको, बॉडी, बैटरी, चार्जर और स्टेप होती है इसके अंदर। बाकी आपको लेंस जो भी चाहिए, 50,000 रुपये से शुरुआत है इसका लेंस, और तकरीबन है ना 3.5-4 लाख रुपये तक के लेंस आते हैं इसके, जो भी आपको चाहिए वो भी मिल जाएंगे आपको, सही है सर? इसी तरह आप, ये तो हो गए एज न्यू वाले पीस, सही है, एज न्यू जिसको करके बेचते हैं मतलब हम लोग, ये एज न्यू वाले पीस हैं। इसी तरह फिर यूज़ की पूरी वैरायटी है आपको, ये कि कम से कम भी स्टिल फोटोग्राफी में आपको 10.5 तक से शुरुआत है, और इसके बाद 14.5 है, 18 है, और वीडियो में आपको 28,000 रुपये से शुरुआत है, फिर आपको 65, 70, 80 जैसी कंडीशन होगी वैसे पैसे होंगे, सही। और जो लोकल यूज़ होगा हम बता देंगे ये लोकल यूज़ है, और जो बाहर का यूज़ होगा हम बता देंगे बाहर का यूज़ है, सही है सर? ये तो मैंने आपको मॉडल दिखा दिए, इसके अलावा जो भी आपकी चॉइस हो, जैसे आपके जहन में हो कि यार गूगल से या यूट्यूब से आप देख रहे हैं कोई से भी मॉडल, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं।